20 मई आतंकवाद विरोध दिवस के दिन नगर पालिका निगम भिलाई के सभागार में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी एकत्रित हुए एवं इस दिन पर आतंकवाद का सदैव विरोध करने की शपथ ली गई, साथ ही अन्य लोगों को जागरूक करने की बातें कही गई। निगम भिलाई आयुक्त प्रकाश सर्वे ने आतंकवाद विरोध दिवस मनाते हुए कहा कि इसका प्रमुख उद्देश्य आम लोगों के कष्टों को सामने लाकर और बताकर कि आतंकवाद किस तरह राष्ट्रहित के विरुद्ध है, युवाओं को आतंक और हिंसा के रास्ते से दूर करना जरूरी है। निगम के कर्मचारियों ने इस बात की शपथ ली कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा और सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भावना और सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ ली गई। देखिए, आतंकवाद विरोध दिवस 20 मई को मनाए जाने के जो निर्देश है वो शासन से प्राप्त हुए थे। इसके तारतम्य में जो है हमारे यहाँ निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने सभागार में शपथ लिया है। इससे पूर्व आयुक्त महोदय ने इसका उद्देश्य बताते हुए कहा कि जो हिंसा है और हिंसा से दूर रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है और आतंकवाद जो है वो हमेशा से गलत दिशाओं पे ही उसका काम रहा है। इन सब का विरोध करना चाहिए। इस उपलक्ष्य में जो है इसीलिए सभी कर्मचारियों ने इसकी शपथ ली कि आतंकवाद विरोध का उसका विरोध करना चाहिए। इस प्रकार की शपथ जो है वो सभागार में ली गई।